अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे तीसरे सेशन में जो हम टेक्निकल एनालिसिस और कैंडल चार्ट्स को हम डिस्कस कर रहे थे। अगर आपने हमारे पिछले दो वीडियो नहीं देखे तो आप जल्दी जाइए और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप देखिए, उसके बाद इस वीडियो पे आएंगे तो कुछ समझ में आएगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल और ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कीजिए। चलिए दोस्तों, हम आज देखेंगे कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं और आप एग्जैक्टली मैं आपको तीन पैटर्न्स के बारे में आज बताऊंगा, तो वीडियो आप आखिरी तक देखिए ताकि इन पैटर्न्स के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहली बात, जब भी हम टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट्स का यूज करते हैं तो आपको कुछ अहम जरूरी बातें जो जहन में रखनी है वो ये है कि फंडामेंटल अजम्पशंस व्हाइल यूजिंग कैंडलस्टिक्स, आपको थोड़े अजम्पशंस आपको जहन में रखने हैं, वो क्या है। सबसे पहले होता है बाय स्ट्रेंथ एंड सेल वीकनेस। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि देखिए, जब मार्केट में डिमांड हो तो उसका मतलब ये है कि लोग बाय कर रहे हैं, जब डिमांड हो तो बाय होगा। तो हमेशा याद रखिए, जब भी आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको हमेशा याद रखना है कि उसी टाइम पर उस पर्टिकुलर पैटर्न को आपको खरीदना है जब वो जो कैंडल है वो ग्रीन में हो, यानी वो बाई साइड में हो, तो उसी टाइम पे हम उस कैंडल में एंट्री लेंगे कि बाय करेंगे। और जब कैंडल स्टिक रेड में हो उस टाइम पर हम उस चीज को जल्द से जल्द जो है सेल कर देंगे। और याद रखिए दोस्तों, क्योंकि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट सेलिंग जायज नहीं है, इस वजह से हम पहले बेचना उसके बाद खरीदने का कॉन्सेप्ट नहीं कर सकते। जो भी आप ट्रेड ले तो इसका सिंपल रूल यही होता है, हमको आपको पहले खरीदना होगा उसी के बाद आपको बेचना होगा। तो हमेशा याद रखिए रूल नंबर वन, कोई भी कैंडलस्टिक आप देख रहे हैं और एनालाइज कर रहे हैं तो हमेशा आपको जहन में रखना है कि आपको हमेशा ग्रीन कैंडल को खरीदना है और रेड पर, यानी जब भी वो रेड आए, जो रिवर्सल हो जाए या रेड आ जाए, उसी टाइम पर आप जो है उस चीज को सेल कर सकते हैं। और एक बात याद रखिए, अगर इसका मतलब ये नहीं कि सेल वीकनेस का मतलब ये नहीं कि अगर आपका शेयर ऊपर जा रहा है, जैसा जैसा रेड आ गया छोटा सा एक, उसको आप इमीडिएट सेल करेंगे, वैसे भी नहीं। यहां पर पॉइंट हम आगे डिस्कस करेंगे कि सेल वीकनेस जो ऑप्शन होता है वो शॉर्ट सेलिंग वाले करते हैं। जनरली हमेशा याद रखिए, अब क्योंकि हम बाय साइड है तो हमेशा आपको स्ट्रेंथ को बाय करनी है, वीकनेस को नहीं बाय करनी। यानी जब भी वो रेड 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 होता है उस टाइम पर आप शेयर को मत खरीदिए। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि शेयर सडनली नीचे चला गया तो आप ये समझते हैं कि भाई इतना नीचे गया और नीचे क्या जाएगा, उसको खरीदते हैं। फिर एक दो दिन के लिए वो थोड़ा सा जो है ना ग्रीन कैंडल छोटे बनाएगा, उसके बाद फिर एकदम नीचे चले जाएगा। तो यानी इसको कहते हैं यू नो डोंट कैच द फॉलिंग नाइफ, यानी जो फॉलिंग नाइफ है, जो शेयर प्राइस नीचे जा रहा है वो कितना नीचे जाएगा किसी को पता नहीं है। तो उस टाइप के शेयर में आप एंट्री शॉर्ट टर्म या स्विंग में नहीं लेना है, आपको अवॉइड करना है, ऑलवेज बाय द स्ट्रेंथ। सेकेंड रूल हम जब भी कैंडलस्टिक के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके पैटर्न के बारे में डिस्कस करते हैं, वो ये है कि फ्लेक्सिबल विथ पैटर्न्स। फ्लेक्सिबल विथ पैटर्न्स का मतलब देखिए, अब अगर हम बुकिश नॉलेज देंगे, बुकिश नॉलेज में एक पैटर्न रहेगा, अब एग्जैक्टली वही पैटर्न आपको नहीं मिलेगा, यानी एग्जैक्टली वो पैटर्न उसकी तरह मिलेगा लेकिन एग्जैक्टली वो पैटर्न आने के लिए बहुत आपको जो है बहुत कम बार मिलता है। तो मैं यहां पर अपना नॉर्मल अपने अंदाज में समझा देता हूं, 1:20 होने का चांस है दोस्तों। यानी आप एक बुक में पैटर्न आपने पढ़ा है और एक आपने स्टडी किया है, उस पैटर्न एग्जैक्टली नहीं रहेगा, कुछ 1:20 यानी 1:20 यानी 0.5% to 1% जो है उसमें तब्दीली हो सकती है, थोड़ा सा जो है मॉडिफिकेशन हो सकता है। आगे मैं उसमें आपको ये चीज को बताऊंगा। और इसके बाद इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी कोई कैंडलस्टिक पैटर्न आप पढ़े देखे उसको एनालाइज कर रहे हैं तो आपको ये भी देखना है कि प्रियर ट्रेंड क्या है, यानी पहले स्टॉक क्या ऊपर जा रहा था या नीचे जा रहा था, आपको ये चीज को देखना है। हाँ, बाज ऐसे पैटर्न्स होते हैं उसमें आपको ये जरूरत ही नहीं है कि प्रायर ट्रेंड क्या है, वो नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, जरूरत नहीं रहेगी। बाज चार्ट्स पर ही ऑप्शन होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी हम टेक्निकल एनालिसिस चार्ट्स के जरिए करते हैं और एनालाइज करते हैं तो आपको ये चीज हमेशा जहन में रखनी है कि आपको प्रीवियस ट्रेंड देखना होगा। अगर कोई शेयर नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, सडनली उसके एक पैटर्न फॉर्म हुआ और वो वहां से, अब एग्जांपल हम वो आगे पढ़ेंगे उस नेक्स्ट वीडियो में भी उस पैटर्न के बारे में मैं डिस्कस करूंगा कि जब शेयर नीचे जा रहा है, प्रायोरिटी जो पैटर्न है वो नीचे है, सडनली वहां पर एक कैंडल बना है और वो कैंडल जो है ग्रीन है, वहां से आप जो है कह सकते हैं कि क्योंकि ये डाउन ट्रेंड था, ये कैंडल से हम बता सकते हैं कि अब जो है अप ट्रेंड होने के चांसेस है, तो आपको ये भी चीज देखनी होगी। लेकिन मैंने जैसा कहा 1:20 होता है, आपको जो है ऑप्शंस को हमेशा जहन में रखना है। और याद रखिए, मैंने ये बात आपको
बताना चाह रहा हूं कि पैटर्न्स आर नॉट 100% एक्यूरेट। देखिए ये किसी तरह का जो है 100% फॉर्मूला नहीं है, यानी ए प्लस बी होल स्क्वायर आप करेंगे तो हमेशा कहीं भी दुनिया में एक ही फॉर्मूला रहेगा, लेकिन पैटर्न्स का ऐसा नहीं है। पैटर्न आपको यहां पर एक शेयर में इस तरह वर्क करेगा, दूसरे शेयर में थोड़ा उल्टा वर्क करेगा, यानी वो एग्जैक्टली वर्क नहीं करेगा, तो 100% एक्यूरेसी नहीं होती है दोस्तों। चांसेस है कि कभी आपका जो एनालिसिस है वो गलत हो सके, तो आप जब भी गलत हो तो आपको उस शेयर से निकलना चाहिए। निकलने का मतलब यहां पर यह है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी आप ट्रेड ले, ट्रेड लेने से पहले आपको एक्चुअली उसका स्टॉप लॉस देखना है कि भाई इस पर्टिकुलर ट्रेड का, मैं स्विंग में भी कर रहा हूं तो मुझे जो है जीटीडी ऑर्डर मुझे लगाना है कि मैं इस प्राइस अगर रिवर्स होके यहां पर आएगा तो मैं यहां से एग्जिट हो जाऊंगा ऑटोमेटिकली, कोई इमोशन की जरूरत नहीं है, मैं एग्जिट हो जाऊंगा इस शेयर पर आएगा। इसी तरह हम कैंडल के चार्ट्स के जरिए से हम टारगेट नहीं डिसाइड करते। फ्यूचर में आपको और थोड़े से क्या टेक्निकल एनालिसिस के हम थोड़े से इंडिकेटर्स वगैरह पढ़ेंगे, वहां पर जब रेसिस्टेंस सपोर्ट वगैरह ऑप्शन हम देखेंगे तो वहां पर हम आपको बताऊंगा कि टारगेट हम किस तरह से कोई शेयर का सेट कर सकते हैं। तो अब यह पॉइंट आप याद रखिए, ये तीन अजम्पशन याद रखने के बाद अब मैं आपके सामने पेश करता हूं आपके लिए तीन इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स। तो सबसे पहला पैटर्न उसका जिसका नाम है, उस पैटर्न को हम कहते हैं, अच्छा इससे पहले और एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए दोस्तों, कैंडलस्टिक्स के जो पैटर्न्स होते हैं उसमें बेसिकली टू टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक्स पैटर्न होते हैं। एक होता है सिंगल कैंडलस्टिक, यानी सिर्फ और सिर्फ हम एक कैंडलस्टिक को देखकर हम डिसाइड कर सकते हैं, और एक होता है इसमें फिर सिंगल में होता है बुलिश एज वेल एज बियरिश, यानी ग्रीन यानी बुलिश एंड रेड यानी बियरिश, एंड इसके बाद होता है मल्टीपल कैंडलस्टिक्स, जहां पर आपको मल्टीपल कैंडल्स फॉर्म होने के बाद ही आप डिसाइड कर सकते हैं इसका पैटर्न, वो एक एक कैंडलस्टिक से वो डिसाइड नहीं हो सकता है। इसमें फिर होता है बुलिश और इसमें होता है आपको बियरिश। तो ये चीजें आप हम आगे देखेंगे किस तरह से हम यूज करते हैं। तो सबसे पहला पैटर्न दोस्तों, और जापानीज में ये पैटर्न का नाम है द मारुबोजो। अब ये क्या है मारुबोजो, ये क्या नाम रखे हुए क्या पूछेंगे, तो सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब इसको इस तरह से हम हमेशा याद रख सकते हैं, मारुबोजो अगर आपको याद रखना है तो याद रख लीजिए, ये एक बंदा है, ठीक है, एक पर्सन है, अब जो भी है एक पर्सन आप ले लीजिए और एक पर्सन आप ले लीजिए, मैं सिर्फ एक समझाने के लिए बता रहा हूं आपको। अब यहां पर मैंने समझो ये बाल लगा दिए इसके, समझो ये कुछ बाल है, ओके ठीक है। तो आप बोलेंगे भाई ये क्या है, एक पर्सन है जिसके बाल है, ठीक है, और दूसरा पर्सन है सर उसके बाल नहीं है, तो हम हमारे हिंदी लैंग्वेज में हम कहते हैं भाई ये गंजा है, राइट, गंजा मतलब उसके बाल नहीं है। तो एक्चुअल में जापानीज लैंग्वेज में मारुबोजो का मतलब होता है कि गंजे को मारुबोजो कहते हैं। तो एक्चुअली आप इस तरह से याद रख लीजिए, जो फर्स्ट पैटर्न हम पढ़ रहे हैं पैटर्न का नाम है गंजा पैटर्न, समझिए अपने हिंदी में सोचिए सर, गंजा पैटर्न यानी मारुबोजो, यानी वो पैटर्न जहां पर वो जो पैटर्न हम देखेंगे समझ में भी आएगा आपको, ये बिल्कुल गंजा होता है। तो किस तरह से होता है चलिए इस बात को हम आगे देखते हैं। तो यहां पर आप देखिए दोस्तों मारुबोजो पैटर्न क्या है। सबसे पहले मैं आपको पैटर्न कब फॉर्म होता है बताता हूं, या देखिए मारुबोजो कैंडल इज फॉर्म व्हेन अ कैंडल इज फॉर्म विदाउट एनी अपर और लोअर शैडो, यानी कोई भी कैंडल जो फॉर्म होता है, जिससे पिछला वीडियो में देखा कैंडल का पैटर्न मैंने आपको बताया कैंडल कैसे फॉर्म होता है, लो हाई क्लोज और ओपन ये क्या होता है, किस तरह से कैंडल फॉर्म होता है। तो अब समझिए अगर कोई भी कैंडल फॉर्म हो जहां पर उसका ऊपर अपर शैडो लोअर शैडो ना हो, यानी यहां पर इसका मतलब ये है कि अब देखिए फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहां पर आपको इसी स्लाइड में बताता हूं। और एक बात याद रखिए, ये ट्रेंड जब भी हम देख रहे हैं हाँ, मारुबोजो पैटर्न का मतलब होता है जो भी कैंडलस्टिक होती है जिसपे ना ऊपर और नीचे किसी तरह का जो है जो शैडो हम कहते हैं वो नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ इसकी बॉडी होती है। और दूसरी चीज, दिस अपियर एनीवेयर इन द चार्ट विदाउट एनी पैटर्न, यानी जब भी मारुबोजो कैंडल आता है चाहे वो ट्रेंड अपवर्ड हो डाउनवर्ड हो, इससे मतलब नहीं होता है, जब भी मारुबोजो कैंडल आता है इसका मतलब है कि कुछ चेंज होने वाला है, चाहे वो बियरिश, अगर बियरिश मारुबोजो है तो नीचे जाएगा, अगर बुलिश मारुबोजो है तो वो ऊपर जाएगा। हम उसको आगे हम उस चीज को देखते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम इस चीज को आपको मैं बताऊं कि ये किस तरह से मारुबोजो कैंडल दिखता है। तो ये एक कैंडल है, ये मैंने ग्रीन और रेड यहां पर रखा है। अगर इस चीज को देखेंगे दोस्तों, यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको देखनी है, वो ये है कि यहां पर हम जनरली ओपन करते हैं, तो समझिए फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर ओपन किया, ओके, और यहां पर डे का लो जो है वो भी लो यहीं पर है,
फिर साथ ये हाई ऑफ द डे है एंड ऑल्सो दिस इज अ क्लोज ऑफ द डे। इसका मतलब ये है कि यहां पर इस पर्टिकुलर पैटर्न आपको ये बता रहा है कि भाई इस शेयर में इतना इंटरेस्ट है लोगों का कि जैसे स्टार्ट हुआ वो कहीं लो है ही नहीं, जो ओपन हुआ वही लो है, इसके बाद हर प्राइस पॉइंट पे लोग खरीदते जा रहे हैं, यानी इसमें बहुत ज्यादा डिमांड। मैंने कहा कि बाई यू नो ऑलवेज बाई स्ट्रेंथ, तो यहां पर बहुत स्ट्रेंथ है और इतना स्ट्रेंथ है कि जहां पर ये हाई है वहीं पर ये क्लोज हुआ है। इसको हम कहते हैं बुलिश मारोबोजो, इसको कहते हैं बुलिश मारोबोजो। और इसको यहां पर इसका मतलब ये है कि यहां पर ये ओपन हुआ है और ये इसका हाई है और यहां पर ये क्लोज हुआ है, ये इसका लो है। इसका मतलब ये है कि जहां पर ये ओपन हुआ है वहां से बिल्कुल नहीं रुका, वही इसका हाई है, उसके बाद वो नीचे 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 जा रहा है, जो उसका लो है वही इसका क्लोज है। यानी इतना लोग बेच रहे हैं कि हर प्राइस पॉइंट पे इस शेयर को लोग जो है बेचते ही जा रहे हैं। इस पैटर्न ऑफ गंजा क्यों कहते हैं, या देखिए यहां पर किसी किस्म का शैडो नहीं है ना दोस्तों, इसीलिए क्योंकि ये बिल्कुल बाल्ड है, इसीलिए इसको कहते हैं मारोबोजो यानी बाल्ड या गंजा पैटर्न हम इसको बता सकते हैं। यहां पर एक चीज आपको जहन में रखनी है कि जब ये जो हम चार्ट में जब देखेंगे इसका जो लेंथ है ये बहुत अहम है दोस्तों। ये लेंथ हम जब ट्रेड करते हैं तो जनरली जो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स विल लुक एट इसके, यानी 1% और लोअर देन के जो चेंज हुआ है, जो मारोबोजो बना है 1% और लोअर, उसमें आप ट्रेड नहीं करना है। और इसी तरह अगर कोई शेयर में मोर देन 10% का जो है मारोबोजो कैंडल बन गया, यानी अब फॉर एग्जांपल आज 100 था, कल वो जो ना सीधा 100 से स्टार्ट होकर 110 हो गया, फॉर एग्जांपल 10% उछाल आया, उस पर 10% का जो है कैंडल बना है, उससे ज्यादा बना है, तो यहां पर हम एक्चुअली इस तरह के विद स्मॉल मारोबोजो, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा मारोबोजो ये है, ऑलराइट दोस्तों, अब बड़ा मारोबोजो समझिए ये है, तो अब यहां पर अब इस छोटे से मारोबोजो और इस बड़े मारोबोजो पैटर्न को हम अवॉइड करेंगे। क्यों अवॉइड करेंगे, इसका एक रीजन है जब मैं आपको आगे बताऊंगा, स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम इसको देखते हैं, यहां पर ये है बुलिश और ये है बेरिश। तो सबसे पहले समझ में आ गया दोस्तों कि मारोबोजो का मतलब ये है कि कोई भी शेयर जो बिल्कुल अपर एंड लोअर शैडो ना हो, चाहे वो कोई भी ट्रेंड में हो, अगर ये फॉर्म हो जाए तो ये मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बारे में बहुत ही अहम चीज बता रहा है कि भाई इसमें डिमांड है या इसमें जो है बिल्कुल वीकनेस है, तो उस बेसिस पर आप ट्रेड ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बुलिश मारोबोजो क्या है। तो यहां पर आप देखेंगे दोस्तों, बुलिश मारोबोजो जब फॉर्म होता है जब ओपन इक्वल टू लो, यानी जब ओपन हुआ है वही लो है और जो क्लोज है वही हाई है, इसको हम कहते हैं बुलिश मारोबोजो। इन्हें ग्रीन जो है कलर में आएगा ये, और यहां पर इसके बारे में कुछ ऑप्शंस आप याद रखिए। देखिए, बुलिश मारोबोजो कैंडल इंडिकेट्स दैट देयर इज अ हाई बाइंग इंटरेस्ट, मतलब ये कैंडल जब फॉर्म होता है, देखिए जो भी प्राइस आपको दे रहे हैं तो ऑटोमेटिकली बायर सेल कर रहा है, सेलर जो है प्राइस दे रहा है बायर सेल कर रहा है, मतलब इसका डिमांड बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए, अब देखो रमजान के टाइम पर अगर आप देखेंगे कि यहां पर यह होता है कि भाई डिमांड किस चीज का डिमांड ज्यादा होता है, फ्रूट्स का डिमांड ज्यादा होता है, कपड़ों का डिमांड ज्यादा होता है, तो देखिए मार्केट में जो भी प्राइस होता है ना वो प्राइस बढ़ते चले जाता है, तो जो भी प्राइस पे आपको खरीदना है। और एक इजी एग्जांपल आपको बता दूं, अगर आप देख लीजिए अपना पेट्रोल का प्राइस का एग्जांपल ले लीजिए, यहां पर जो भी प्राइस पॉइंट है आपको लेना ही लेना है, आप ये नहीं बोल सकते कि भाई महंगा हो गया मैं नहीं लूंगा, नहीं, तो जो भी प्राइस पॉइंट है यानी इसका स्ट्रेंथ है, इसमें हमेशा स्ट्रेंथ है, तो ऑटोमेटिकली जो भी प्राइस में आ रहा है आपको लेना ही जा रहा है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल अगर इंडियन पेट्रोल प्राइस अगर एक चार्ट में लगाएंगे ना, तो आप ये देखेंगे कि ऑलमोस्ट फॉर एवरी डे वहां पर जो है मारोबोजो कैंडल जो है फॉर्म हो जाएगा। यानी खैर मैं कॉमोडिटीज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनरल एग्जांपल दे रहा हूं, तो याद रखिए जब डिमांड ज्यादा होता है तो वो लोग बाय करना जरूरी होता है, तो उस टाइम पर लोग जो है डिमांड बता रहे हैं। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको रखना है कि प्रीवियस ट्रेंड क्या हो उसका कोई मतलब नहीं है, जो भी ट्रेंड प्रीवियस हो, जब भी मारोबोजो बुलिश मारोबोजो फाइंड हो रहा है, इसका मतलब ये है कि लोग इस शेयर में इंटरेस्टेड है, इसीलिए इसका जो है स्ट्रेंथ बताया जा रहा है कि लोग इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। विदाउट प्रोडक्ट आप इमीडिएटली देख सकते हैं। और एक बात आपको बता दूं, यहां पर याद रखिए कि देर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स, ओके,
एक है हाई रिस्क ट्रेडर्स, एक है लो रिस्क ट्रेडर्स। यानी आप ऐसे ट्रेडर है कि आप रिस्क ले सकते हैं, हाई रिस्क हाई रिवार्ड एंड लो रिस्क लो रिवार्ड, ये पॉइंट तो हम जनरली देखते हैं। तो अज्यूम कीजिए कि भाई आप एक हाई रिस्क ट्रेडर है, तो मैक्सिमम अगर आप हाई रिस्क ट्रेडर हो तो जिस दिन ये फॉर्म हो रहा है उसी दिन के क्लोज में यानी 3:30 के करीब में आप खरीद लेंगे। यानी आपको अपने एनालिसिस पर जो है भरोसा है कि आप इमीडिएटली उसी दिन ट्रेड ले लेंगे। अब जो रिस्क अवर्स यानी जो लो रिस्क ट्रेडर्स है वो लोग क्या करेंगे, उस दिन नहीं खरीदेंगे, नेक्स्ट दिन वेट करेंगे कि भाई मॉर्निंग में क्या है, क्या वो गैप अप हो रहा है, क्या वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है, क्या हो रहा है, उसके बाद वो डिसीजन लेंगे, उसके बाद जो है उस पर्टिकुलर शेयर में एंट्री ले सकते हैं। तो आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए दोस्तों, स्टॉप लॉस। मैं आपको ये पॉइंट हमेशा याद रखिए, जब भी आप स्विंग ट्रेडिंग करें या आप जो है डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग करें, हमेशा याद रखिए कि आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होता है। अगर आप स्विंग पर यानी अपने डिलीवरी पर भी ले रहे हैं, आप एक 4 दिन 10 दिन रखने के भी लिए ले रहे हैं, तो हमेशा याद रखिए हमारे पास एक ज़ीरोधा में ऑर्डर होता है GTT, गुड टिल GTT ऑर्डर होता है, वो GTT ऑर्डर आपको जो है लगाकर रखना होगा। क्यों? इसलिए कि अगर ये GTT ऑर्डर हमारे पास जब होता है तो इसका मतलब जब भी हमारा प्राइस वो नेगेटिव पे आ जाएगा तो वो इमीडिएट सेल हो जाएगा। और इसी तरह हम चाहे तो जो है ना दो साइड यानी अपर साइड टारगेट भी लगा सकते हैं और लोअर साइड जो है हम स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं। वो कैसे करना है मैं आपको टेक्निकली फ्यूचर में जो हमारे वीडियोस में दिखाऊंगा। लेकिन याद रखिए, व्हाट इज द स्टॉप लॉस फॉर ए मारोबोजो कैंडल, इज जिस दिन का कैंडल बना है। अगर फॉर एग्जांपल आपने यहां पर इसको खरीदा, इस पॉइंट पर खरीदा, तो इसका आपका स्टॉप लॉस ये पॉइंट होगा। और आपको मैं पिछले स्लाइड में बताया था कि डोंट ट्रेड मोर देन 10%, इसलिए क्योंकि अगर आपका मारोबोजो कैंडल बहुत बड़ा है और आपने यहां पर खरीदा तो आपका जो नेगेटिव रहेगा वो करीब करीब 8% का रहेगा। अगर आपने लास्ट 2% की जगह पे आपने खरीद लिया तो अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो बहुत डीप स्टॉप लॉस होगा, यानी बहुत बड़ा जो है अमाउंट होगा और आपको बहुत ज्यादा रिस्क भी हो सकता है। तो इसी तरह आप जनरली आप देखिए कि बहुत बड़े कैंडल्स मत ट्रेड कीजिए और बहुत छोटे कैंडल्स आप ट्रेड मत कीजिए। ये है हमारा बुलिश मारोबोजो। अब एग्जाम्पल यहां पर देखिए, मैं आपको इस चार्ट के एग्जाम्पल से समझाता हूं, आपको परफेक्ट तरीके से इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। तो यहां पर देखिए दोस्तों, ये है अदानी विल्मर का शेयर। ये देखिए दोस्तों, यहां पर अब इस शेयर को देखिए, अगर एक चीज आप गौर करेंगे, इस शेयर को आप अगर देख रहे हैं, इसके नीचे थोड़ी सी दुम है ना, लेकिन इसके सर पे कोई बाल नहीं है। यानी एक्चुअली एक्चुअल मारोबोजो क्या है, इसकी दुम भी नहीं होना है, राइट? लेकिन नहीं, समटाइम्स इट इज पॉसिबल दैट 19-20 हो सकता है, मैंने बताया। तो छोटा सा, और यहां पर भी देखिए, ये भी मारोबोजो ही है, यहां पर इसके नीचे दुम नहीं है, ऊपर छोटी सी दुम है। यानी अगर मैं कहूं तो ये भी मारोबोजो है, बुलिश मारोबोजो, ये भी बुलिश मारोबोजो है, और ये नहीं है, क्योंकि देखिए इसके नीचे बहुत ज्यादा दुम है, इसके भी ओके। यहां पर ये भी मैं ये कह सकता हूं कि ये भी एक इसमें थोड़ा ज्यादा है, यहां पर ये भी एक मारोबोजो कैंडल है, और यहां पर देखिए दोस्तों, ये एक मारोबोजो कैंडल है, ये भी मारोबोजो कैंडल है, ये भी मारोबोजो। तो यहां पर आप देख रहे हैं दोस्तों, ये ग्रीन कैंडल देखिए स्ट्रेंथ, यानी ये बता रहा है कि इतना डिमांड है कि ऑलमोस्ट कितने फर्स्ट दिन में 125 मिलियन स्टेट्स जो है लिस्टेड हुए हैं, और इमीडिएटली जो है इसका बाइंग बढ़ते बढ़ते स्टार्ट हुआ है। इसका पॉइंट प्राइस पॉइंट मुझे याद नहीं है दोस्तों, लेकिन यहां पर अच्छा सा जो है इंप्रूवमेंट हुआ है। यानी मारोबोजो कैंडल हमको ये बताता है सिंपल तरीके से कि यहां पर बाइंग स्ट्रेंथ है। यानी आप देख लीजिए, यहां पर स्ट्रेंथ है, यहां पे तो नीचे जा रहा है, इसके बाद यहां पर देखेंगे तो थोड़ा स्ट्रेंथ है, फिर यहां पर देखिए परफेक्ट स्ट्रेंथ है, फिर यहां पर आप देखेंगे तो स्ट्रेंथ है, यहां पर भी स्ट्रेंथ है। तो इस तरह से अब ये चार्ट को देखेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि परफेक्ट तरीके से मारोबोजो कैंडल जो है फॉर्म होते जा रहे हैं। तो ये एक आइडिया होता है दोस्तों, जब भी हम कोई ऑप्शन में ट्रेड करें। मैंने आपको कहा स्टॉप लॉस, फॉर एग्जाम्पल फर्ज कीजिए कि आपने यहां पर प्राइस को खरीदा, ये प्राइस क्या था इसका, 300 रुपए, यहां पर समझिए ये 300 रुपए में आपने यहां पर इसका डे एंड में खरीद लिया। तो आप कहेंगे कि सर इसका स्टॉप लॉस मुझे कहां लगाना है, तो स्टॉप लॉस आप लगाएंगे तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों। स्टॉप लॉस आपका आएगा करीब करीब वो 370 कुछ आएगा, यानी 30 पॉइंट्स का जो है आपको स्टॉप लॉस है। तो या मैं वही बता रहा हूं, अगर आपका कैंडल बहुत बड़ा हो जाए तो बहुत टाइम पे ये होगा कि आपका जो है स्टॉप लॉस बहुत डीप होगा, लेकिन रिवार्ड भी अच्छा होगा। देखिए यहां से 300 से जब बढ़ा है, ये ऑलमोस्ट गया है, ऑलमोस्ट 400 तक गया है ये,
फिर उसके बाद फिर नीचे आया जब मार्केट डाउन थी, तो ये चैनल में ये रन हुआ, उसके बाद ये चैनल को ब्रेक करके आगे चले गया। यानी आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी हम इस तरह के मारोबोजो देख रहे हैं तो आपको स्टॉप लॉस, देखिए ये स्टॉप लॉस कभी टच ही नहीं किया है, तो अगर इस ट्रेड में हम एंटर करते यहां तक 400 में बेच भी देते तो क्या बुरा है दोस्तों, ऑलमोस्ट लाइक 100 पॉइंट्स का हम जो है उसमें प्रॉफिट ले सके हैं। तो इस तरह से आपको देखना है चार्ट्स के पैटर्न को। तो जो भी आप ट्रैक कर रहे हैं तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि चार्ट में क्या फॉर्म हो रहा है, ये देखने की कोशिश करनी है। अब देखिए दोस्तों बेयरिश मारोबोजो क्या होता है, रेड कलर में ओपन इक्वल टू हाई एंड क्लोज इक्वल टू लो। इसका सिंपल मतलब ये है दोस्तों, जो यहां पर मैं इंग्लिश में बता रहा हूं उसका सिंपल मतलब ये है कि जो भी प्राइस पॉइंट पे लोग बेच रहे, जो भी प्राइस पॉइंट में लोग खरीदना चाह रहे हैं वहां पे बेचने वाले बेचते जा रहे हैं, बेचते जा रहे हैं। यानी ऐसी चीज जो आपको जरूरत नहीं है तो आप क्या करेंगे, फटाफट बेचते जाएंगे। मैं एग्जाम्पल देता हूं, अज्यूम कीजिए कि रमजान की चांद रात है, ओके। अब एक ट्रेडर है, एक ताजिर है, उसके पास बहुत सारा माल है, वो अपने शॉप में या जो है रोड पर या बंडी पे कहीं पे भी रख के बैठा है बंदा, ताजिर है, बहुत उसके पास स्टॉक है, बहुत सारा रमजान के लिए बहुत सारा बिक गया, लेकिन उसके पास अभी जो है 25% स्टॉक है, तो वो क्या करेगा, चांद रात के दिन बिल्कुल जो है सस्ते में निकाल देगा, यानी जो बाइंग कॉस्ट है उसमें निकाल देने की कोशिश करेगा। मतलब ये कि कोई भी प्राइस पॉइंट है, कोई बोला कि भाई 500 रुपए की चीज है, वो बोलेगा भाई मेरे को 250 में दीजिए, ले लो भाई ले लो चलो। क्यों? वो इसलिए क्योंकि he wants to sell it as quick as possible। तो हमेशा याद रखिए बेयरिश मारोबोजो का मतलब मार्केट बहुत ही वीक है, स्टॉक बहुत ही वीक है, जो प्राइस पॉइंट आ रहा है लोग उसमें बेचते जा रहे हैं, धड़ाधड़ बेच रहे हैं, तो ये हमेशा बेयरिश ट्रेंड होता है दोस्तों। तो इस टाइम पे आपको बिल्कुल इसमें एंटर लेना ही नहीं है, यहां पर हमको इमीडिएट एग्जिट कर लेना है, इसमें हम बिल्कुल एंट्री लेते ही नहीं। अगर आप बुलिश मारोबोजो पर आपने लिया है और ऊपर जा रहा है, आपका टारगेट अचीव हो गया, एग्जिट कर लेंगे। अगर उस अचीव करने के दौरान अगर वो सडनली जो है बेयरिश मारोबोजो बन गया है तो आप देखेंगे कि भाई अरे मेरे पास इतना मैंने प्रॉफिट बुक किया है, तो एटलीस्ट 20-50% बुक करना है, वेट करना है। अगर हो सके 20-50% बुक कीजिए, नहीं तो आप जो है उसको एग्जिट कर सकते हैं अगर इस तरह का बड़ा सा कैंडल आपको आए तो। मैं इसका एग्जांपल आपको देता हूं और एक स्टॉप लॉस इसका जो है हाई ऑफ द डे। अब जो लोग शॉर्ट सेलिंग करते हैं, मैं बता रहा हूं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से दुरुस्त नहीं है, लेकिन जो शॉर्ट सेलिंग करते हैं वो जब भी बुलिश बेयरिश मारोबोजो बनता है इमीडिएटली वो शॉर्ट सेल करते हैं, जैसा प्राइस नीचे जाएगा एंड ऑफ द डे में वो बाय बैक करते हैं, ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से दुरुस्त नहीं है। तो आप बेयरिश के बारे में सोचिए भी मत, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद का जो पैटर्न है इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, यहां पर परफेक्ट एग्जाम्पल है। यहां पर दोस्तों ये मुझे तारीख याद नहीं है, ये शेयर गया था 640 समथिंग पर, और उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों सडनली इसमें इतना बाइंग प्रेशर था कि इमीडिएटली इसने अपर सर्किट पे टच कर लिया, उसके बाद इमीडिएटली ये शेयर गिरना शुरू हुआ और सीधा सीधा जो है यहां पर आके रुक गया। अब देखेंगे वो बहुत बड़ा कैंडल है, और एक इंपॉर्टेंट चीज आप देखेंगे इसमें बिल्कुल ना शैडो है, अपर शैडो है ना लोअर शैडो है, यानी हम ये बता रहे हैं कि भाई बहुत ज्यादा जो है इसमें सेलिंग आ रहा है। फिर इसके बाद यहां पर आप देखेंगे उसके बाद फिर इसने इमीडिएट लोअर सर्किट मार दिया, फिर इसके बाद अभी जो है इसमें अपर सर्किट लिया है फिर से। लेकिन पॉइंट यहां पर यह है कि जब भी कोई शेयर बेयरिश मारोबोजो में आता है मोस्ट ऑफ द टाइम शॉर्ट सेलर्स उसका फायदा उठाते हैं, लेकिन आप लॉन्ग टर्म आप जो अगर आप ओनली बाय साइड हम कर रहे हैं तो हम वहां पर अगर हमने ऑलरेडी बुलिश मारोबोजो पे लिया है तो हम मैक्सिमम बेयरिश मारोबोजो होने पर मैक्सिमम उसको हम बेच देते हैं, उसमें एग्जिट कर लेते हैं, लेकिन जब भी टारगेट अच्छी हो तो भी हम एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज मोस्टली फॉर शॉर्ट सेलर्स उसमें एंट्री लेते हैं, हमारे लिए दुरुस्त नहीं है। तो ये है दोस्तों गंजे साहब की कहानी, उसका नाम है मारोबोजो, आई उम्मीद है आपको समझ में आया। तो जब भी आप चार्ट देखें तो जब भी आपको कोई शैडो ना मिले, थोड़ा बहुत शैडो भी रहेगा तो मतलब ये है, अगर शैडो बड़ा है तो इसका मतलब ये उसका बॉडी बड़ी है, मतलब ये कि अरे इसमें बहुत ज्यादा बाइंग हो रही है, लेट अस एंटर इनटू दिस सो दैट टुमारो इट कैन गो अपवर्ड एंड आपका टारगेट 5-10% जो भी है आप ले लिए स्विंग में, आप निकल लिए, बस खत्म। इससे आपको जो है अच्छे से प्रॉफिट भी मिल जाएगा। तो ये पॉइंट हम यूज करते हैं हमारा मारोबोजो कैंडल। चलिए इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पैटर्न है उसका नाम है स्पिनिंग टॉप पैटर्न। दोस्तों इसका नाम है स्पिनिंग टॉप पैटर्न। अब स्पिनिंग टॉप पैटर्न का मतलब सिंपल, स्पिनिंग टॉप मतलब आप देखिए, आप हिंदी में बता रहा हूं, लट्टू आप देखिए ना, बचपन में हम लट्टू खेलते थे ऐसा ऐसा, आप जो बन के ऐसा फिराते वो सब भिर 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 फिरता, राइट। लेकिन प्रॉब्लम ये है लट्टू अगर आप छोड़ेंगे अगर आप जमीन पर, किधर जाएगा वो, देयर इज नो यू नो सर्टेनिटी। आप लट्टू छोड़ेंगे तो आप नहीं बोल सकते कि वहां पर जाएगा, नहीं वो कहीं पर भी जाएगा, यानी
अनसर्टेनिटी है ना, जो हमारा जो लट्ठू है उसमें अनसर्टेनिटी है। इसी तरह याद रखिए, स्पिनिंग टॉप फॉर्मेट में होता यह है कि एक छोटी सी बॉडी बनती है और उसी के ऑलमोस्ट उसी के इक्वल आपको बनता है एक शैडो ऊपर एक शैडो नीचे, बेरिश में भी रेड और एक शैडो ऊपर एक शैडो नीचे। अब आप कहेंगे सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इस पर्टिकुलर कैंडल में बुल्स जो कि बेस खरीदते हैं और बेयर्स जो कि बेचते हैं, यहां पर बुल्स ने कोशिश की इसको ऊपर ले जाने की लेकिन बेयर्स ने नीचे ला लिया। यानी जब ये ओपन हुआ था पहले बेयर्स ने नीचे लेके जाने की कोशिश की, कुछ नहीं हुआ, तो वहां पर फिर ऊपर लेके जाके बुल्स फिर ऊपर ले जा रहे हैं लेकिन फिर बेयर्स ने लाकर बीच में रुका दिया है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जब होता है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि हम कोई बुल्स और बेयर्स कोई हावी नहीं हो पाए, दे डिडंट हैव ए परफेक्ट डायरेक्शन। तो यहां पर डायरेक्शन के लिए बुल्स और बियर्स फाइट कर रहे हैं, यानी कंसोलिडेशन हो रहा है, यानी बुल्स एंड बियर्स के बीच में जो है लड़ाई चल रही है और कोई डिसीजन हम नहीं ले पा रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर स्प्रिंग टॉप मॉडल में आपको याद रखना होता है कि इसमें फिर से बुलिश होता है बियरिश होता है। अब यहां पर एक एग्जाम्पल देखिए कि ये स्पिनिंग टॉप इन अप ट्रेंड, स्पिनिंग टॉप इन अप ट्रेंड में देखिए ये यहां से ऊपर गया, ये टेक महिंद्रा का शेयर है। यहां पर ऊपर जाने के बाद आप देखिए दोस्तों, यहां पर ऑलमोस्ट ये तो खैर स्पिनिंग टॉप नहीं है, ये आप देखेंगे तो ये एक परफेक्ट स्पिनिंग टॉप है। इसी तरह आप नीचे यहां पर देखिए, ये भी एक ऑलमोस्ट स्पिनिंग टॉप मॉडल है, ये भी एक स्पिनिंग टॉप है। यानी होता ये है, और एक चीज देखिए दोस्तों, इसके प्रीवियस में पैटर्न्स में भी बता दूं आपको। ओके, यहां पर देखिए दोस्तों, ये एक, ये दो थोड़ा सा बड़ा है, 19-20 चलेगा, 1, 2, 3, 4, 5, ये नहीं है स्पिनिंग टॉप, ये भी नहीं है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये आप देखेंगे यहां पर ये स्पिनिंग टॉप्स फॉर्म हुए, यार यहां पर भी ऑलमोस्ट स्पिनिंग टॉप्स है। यानी इसका मतलब ये है कि ना बुल्स ना बियर्स कोई जो है मार्केट पे हावी नहीं हो पा रहे हैं, वो ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, यानी इनडिसिशन इन द मार्केट। सो हमेशा याद रखिए, स्पिनिंग टॉप जब अप ट्रेंड में होता है तो इसका मतलब ये होता है कि अब बुल्स ने खरीद लिया, यहां से बुल्स ने खरीदना शुरू किया है, ऑलमोस्ट 1400 से खरीदा 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 और ऑलमोस्ट उन्होंने 1750 पर आने के बाद में अब बुल्स यहां पर ये हो सकता है कि वहां से वो ऊपर भी जाए या नीचे आए, हमको पता नहीं, क्योंकि जब भी स्पिनिंग टॉप फॉर्म होता है इसका मतलब देयर इज अ इनडिसिशन इन द मार्केट। तो आप चाहे तो यहां पर ले सकते हैं लेकिन आपको बहुत शॉर्ट स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, अगर यहां से नीचे जाएगा तो वो कहां जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए स्पिनिंग टॉप का हमें समझ में ये आता है कि ये एक हमारा डिसीजन लेता है। जनरली मैं आपको ये बताता हूं, अगर आपने यहां पर लिया स्पिनिंग टॉप फॉर्म होना शुरू हो जाए तो 50% आप एग्जिट कर लीजिए ताकि आपका जो प्रॉफिट हॉफ प्रॉफिट तो बुक हो जाए। उसके बाद अगर वो नीचे जाए तो यहां पर आप जो लोएस्ट वैल्यू है स्पिनिंग टॉप का वो आप देख लीजिए, उसके आप स्टॉप लॉस लगा देंगे तो इमीडिएटली आप उसमें से भी एग्जिट हो जाएंगे। अगर वहां से वो ऊपर जाए तो ओके, इट इज नॉट अ बैड डील, इट कैन बी ए गुड आइडिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर एक स्पिनिंग टॉप फॉर्म हुआ है लेकिन ये डाउन होने के बाद में इमीडिएट अप हुआ है। तो बस टाइम पे स्पिनिंग टॉप एग्जैक्टली हम जिस तरह से चाह रहे हैं उस तरह से भी वर्क नहीं होता। इसी तरह ये देखिए स्पिनिंग टॉप इन डाउनवर्ड ट्रेंड, यहां पर आप देखेंगे ये नीचे जा रहा है नीचे जा रहा है, यहां पर देखिए एक लट्ठू बन गया है, फिर यहां से थोड़ा ऊपर नीचे, फिर इट इज गोइंग अपवर्ड। सो यहां पर भी आप देखिए बहुत सारे स्पिनिंग जो है पैटर्न्स आपको मिल रहे हैं, मतलब एग्जैक्ट नहीं है, 19-20 से ऐसा बताया। तो इनडिसिशन इन द मार्केट, तो हमेशा याद रखिए जब शेयर नीचे जा रहा है और सडनली स्पिनिंग टॉप फॉर्म हो रहा है इसका मतलब यहां पर कंसोलिडेटेड हो रहा है बियर और नीचे नहीं ले जा रहे प्राइस को और बुल्स वहां पर खरीद रहे हैं। जिस तरह बुलिश का मतलब यह है कि जब ऊपर चले गया अब बुल्स और ज्यादा ऊपर नहीं ले जा रहे हैं तो बियर्स हावी होने की चांसेस है तो वहां से नीचे भी जाएगा। तो आपको सिर्फ इनडिसिशन है, आपको सिर्फ ध्यान में रखना है ये किस तरह से आपको जो है ट्रेड लेनी है या नहीं लेनी, लेकिन इस भी बेसिस पे हम नहीं लेंगे, वी ऑल्सो लुक एट अदर फैक्टर्स ऑल्सो, उसके बाद हम इस पर्टिकुलर ऑप्शन में ट्रेड ले सकते हैं। इसके बाद इस कैंडल को कहते हैं द डोजीस। डोजीस मतलब बेसिकली इसमें बॉडी नहीं होती, या होती भी है तो छोटी सी बॉडी होती है। यहां पर आप देखेंगे दोस्तों इस पर्टिकुलर पैटर्न को कहते हैं इस तरह से, यानी जो प्राइस पे ओपन हुआ था वही प्राइस पे क्लोज हुआ, वो नीचे भी गया ऊपर भी गया फिर इनडिसिशन। अब यहां पर आप देखेंगे ये है आपका पॉजिटिव यानी बुलिश डोजी, ये है बियरिश एंड ये है नो ट्रेंड, नो बुलिश और बियरिश। अब यहां पर याद रखिए डोजिस मोस्ट ऑफ द टाइम डोजिस और स्पिनिंग टॉप लट्टू और ये इसको बोलेंगे आप
क्या बोल सकते हैं इसको, समझिए लट्ठू समझिए, पर विदाउट ए टॉप, विदाउट मस्टॉप, एक छोटा सा लट्ठू है समझिए। तो यहां पर ये हमेशा याद रखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम स्पिनिंग टॉप्स एंड डोजेस अपीयर इन क्लस्टर इंडिकेटिंग इंडेसिशन इन द मार्केट। तो जब भी डोजेस फॉर्म होना शुरू होते हैं, स्पिनिंग टॉप्स और डोजेस दोनों साथ ही साथ आएंगे मोस्ट ऑफ द टाइम, सो इट्स ए इंडिकेशन दैट देयर इज अ इंडेसिशन। तो यहां पर आप ट्रेड मत लीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए और देखिए वहां पर उसका जो पैटर्न, जो रेंज है, वो उसके ऊपर जा रहा है या उसके नीचे जा रहा है, उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं, वरना आप डिसीजन नहीं ले सकते दोस्तों। यहां ओके दोस्तों, तो याद रखिए जब भी आप स्पिनिंग टॉप और डोजी दोनों को साथ देखेंगे, इसका मतलब मार्केट में इंडिसीजन है, किसी तरह का आप जो है डिसीजन लेना यहां पर मुनासिब नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप जो है बुलिश में आपने बाय किया था और अच्छा ऊपर जाने के बाद में वहां पर उसके जो है डोजेस फॉर्म हो रहे, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि एटलीस्ट आप 50% एग्जिट कर लीजिए ताकि आपका प्रॉफिट जो है क्लोज हो जाए। उसके बाद अगर वो नीचे जा रहा है तो इमीडिएट एग्जिट कर लीजिए रिमेनिंग 50% एज वेल। तो इस तरह से हम इस पैटर्न को समझ सकते हैं दोस्तों। तो ये है दोस्तों हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ वेरियस पैटर्न्स। तो मैंने तीन पैटर्न्स बनाए, एक है मोराबोजो यानी गंजा पैटर्न, एक है हमारा स्पिनिंग टॉप यानी लट्ठू का पैटर्न, और डोजी वो भी होता है ऑलमोस्ट लट्ठू की तरह क्योंकि उसमें इंडिसिशन होता है। तो हमेशा याद रखिए जब भी आप मोराबोजो पैटर्न देखें तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जो है प्रॉफिटेबल ट्रेड मिलने का चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा। तो इसको आप यूज़ कीजिए, यूज़ करने के बाद डिलीवरी बेस पर ही आपको खरीदना है, आप जो है लेवरेज वगैरह नहीं ले सकते इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ओनली डिलीवरी बेस आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। एंड ऑल्सो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जायज़ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो शेयर्स है वो भी हलाल शेयर्स में आप इस तरह के जो है एक्टिविटीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के तीन पैटर्न्स, इंशाल्लाह मैं अगले वीडियो में आपके लिए और तीन से चार पैटर्न्स लाऊंगा। तब तक के लिए आप जो है हमारे चैनल के और वीडियोस देखिए, और प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस नॉलेज को शेयर कीजिए ताकि जिनको इस बारे में पता नहीं है वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर सके और शेयर मार्केट के ज़रिए से जो है अर्निंग हलाल तरीके से वो कमा सके। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।